अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम योर क्लास 12 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटेग्रल 2x² - 2 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस x² + 1 dx। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है, हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है 2x² - 2 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस x² + 1, इसको करना है एवेलुएट एंड देन इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। सो 2x² - 2 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस x² + 1, दिस इज इक्वल टू 2x² - 2 ओवर, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें रिक्वायर्ड है कंप्लीट स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ये करेंगे 2x² को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x² - 2x² + x², दिस इज इक्वल टू 2x² - 2 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x² को हम लिख सकते हैं x² + 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 2x² + x² इज माइनस x². दिस इज इक्वल टू 2x² - 2 ओवर x² + 1 प्लस एक्स इंटू x² + 1 माइनस एक्स। लेट 2x² - 2 ओवर x² + 1 प्लस एक्स इंटू x² + 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू ax + b ओवर x² + x + 1 प्लस cx + d ओवर x² - x + 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x² + 1 प्लस x इंटू x² + 1 माइनस x के साथ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x² + 1 प्लस x इंटू x² + 1 माइनस x, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² - 2, दिस इज इक्वल टू ax + b इंटू x² - x + 1 प्लस cx + d इंटू x² + x + 1। अब हम इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² - 2, दिस इज इक्वल टू ax³ - ax² + ax + bx² - bx + c x³ + c x² + c x + dx² + dx + d। अब हम लाइक पावर्स ऑफ एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको करेंगे कंपेयर। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स, तो सबसे पहले हम x³ के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x³ इन्वॉल्व हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड पे
एक्स क्यूब का कोफिशियंट है जीरो. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी. नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को कंपेयर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है टू एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. नेक्स्ट हमने x के कोफिशियंट्स को कंपेयर करना है. लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा जीरो एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी प्लस डी. देन हम कॉन्स्टेंट्स का कंपैरिजन करेंगे. कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम स्मॉल c को यूज़ कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है दैट इज माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू बी प्लस डी. दिस इज इक्वेशन टू. दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. ये है हमारे पास इक्वेशन फोर एंड दिस इज इक्वेशन फाइव. अब हमें इन चारों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यूज आ जाएं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन नंबर टू को. फ्रॉम टू वी हैव ए इज इक्वल टू माइनस सी. अब हम a इज इक्वल टू माइनस सी को पुट कर देंगे इक्वेशन फोर में. पुट a इज इक्वल टू माइनस सी इन फोर. तो हमारे पास आ जाएगा जीरो. दिस इज इक्वल टू माइनस सी माइनस बी प्लस सी प्लस डी. माइनस सी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा जीरो. दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी. दिस इज इक्वेशन सिक्स. नेक्स्ट हम इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स को ऐड कर देंगे. एडिंग फाइव एंड सिक्स तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू प्लस जीरो. दिस इज इक्वल टू बी प्लस डी. माइनस बी प्लस डी. बी माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा माइनस टू. दिस इज इक्वल टू टू डी. डी आ जाएगा माइनस टू ओवर टू के इक्वल. दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू माइनस वन. अब हम यूज करेंगे इक्वेशन फाइव को. फ्रॉम फाइव वी हैव. अब इक्वेशन फाइव में डी की जगह हमने पुट कर देना है माइनस वन. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू. दिस इज इक्वल टू बी प्लस माइनस वन. बी हमारे पास आ जाएगा माइनस टू प्लस वन के इक्वल एंड दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू माइनस वन. नेक्स्ट हम बी और डी की जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे इक्वेशन थ्री में. पुट b इज इक्वल टू माइनस वन एंड d इज इक्वल टू माइनस वन इन थ्री. तो हमारे पास आ जाएगा टू. दिस इज इक्वल टू माइनस a. b की जगह आ जाएगा माइनस वन प्लस सी और d की जगह भी आ जाएगा माइनस वन. देन आ जाएगा टू. दिस इज इक्वल टू माइनस टू माइनस a प्लस सी. देन हमारे पास आ जाएगा माइनस ए प्लस सी. दिस इज इक्वल टू टू प्लस टू. माइनस ए प्लस सी. दिस इज इक्वल टू फोर. दिस इज इक्वेशन सेवन. नेक्स्ट हम इक्वेशन सेवन और इक्वेशन टू को ऐड कर देंगे. एडिंग टू एंड सेवन
तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस ए प्लस सी, ए माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2c, दिस इज इक्वल टू 4, c आ जाएगा 4 ओवर 2 के इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 2. अब हम c इज इक्वल टू 2 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में. फ्रॉम 2 वी हैव a इज इक्वल टू माइनस 2, तो a आ चुका है माइनस 2 के इक्वल. पुटिंग a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1. तो हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 2 ओवर x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 ओवर x² प्लस x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 ओवर x² माइनस x प्लस 1. देन हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 2 ओवर x² प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x^4 प्लस x² प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू 2x प्लस 1 ओवर x² प्लस x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 ओवर x² माइनस x प्लस 1. दस इंटेग्रल 2x² माइनस 2 ओवर x^4 प्लस x² प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इंटू 2x प्लस 1 ओवर x² प्लस x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 ओवर x² माइनस x प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटेग्रल 2x प्लस 1 ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx प्लस इंटेग्रल 2x माइनस 1 ओवर x² माइनस x प्लस 1 dx. We know that integral f prime of x over f of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c. अब यहाँ पे देखा जा सकता है इन दोनों integrals में denominator में हमारे पास f function और numerator में उस function का derivative है. तो हमारे पास अब आ जाएगा minus इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x² माइनस x प्लस 1 प्लस c, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x² माइनस x प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस c. अब यहाँ पे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x² माइनस x प्लस 1 ओवर x² प्लस x प्लस 1 प्लस c. सो इंटेग्रल 2x² माइनस 2 ओवर x^4 प्लस x² प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x² माइनस x प्लस 1 ओवर x² प्लस x प्लस 1 प्लस c. सो दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. इंटेग्रल 3x माइनस 8 ओवर x² माइनस x प्लस 2 इंटू x² प्लस x प्लस 2 dx.
अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. लेट 3x माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. दिस इज इक्वेशन 1. अब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 के साथ. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 8, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. 3x माइनस 8, दिस इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 बी प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस 2 डी. कंपेयरिंग coefficients of like powers of x. तो सबसे पहले हम x cube के coefficients को compare करेंगे. हमारे पास आ जाएगा 0, this is equal to a plus c. next हम x square के coefficients को compare करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0, this is equal to a प्लस बी माइनस सी प्लस डी. नेक्स्ट हम एक्स के कोफिशियंट्स को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू 2 ए प्लस बी प्लस 2 सी माइनस डी. और एंड पे हम कंपेयर करेंगे कॉन्स्टेंट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 2 बी प्लस 2 डी. This is equation 2. ये है हमारे पास equation 3. This is equation 4. And this is equation 5. From 5, we have b plus d. This is equal to minus 4. This is equation 6. Next हमने ये करना है. इक्वेशन 3 को इक्वेशन 6 में से कर देना है माइनस. सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 3, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस बी माइनस डी. This is equal to 0 minus into minus 4. B minus B के साथ cancel और D minus D के साथ cancel. और हमारे पास आ जाएगा A minus C, this is equal to 4. ये है हमारे पास equation 7. Next term equation 7 और equation 2 को add कर देंगे. Adding 2 and 7, तो हमारे पास आ जाएगा a plus c plus a minus c, this is equal to 0 plus 4,
सी माइनस सी के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2a, दिस इज इक्वल टू 4, एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4 ओवर 2, और हमारे पास a आ जाएगा 2 के इक्वल। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 2, और इक्वेशन 2 में हम a को पुट कर देंगे 2 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 को यूज करेंगे इक्वेशन 4 में। पुट a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 इन 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस b प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस d, दिस इज इक्वल टू 3, देन आ जाएगा 4 प्लस बी माइनस 4 माइनस डी, दिस इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 4 से कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा बी माइनस डी, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 8। अब हम इक्वेशन 8 और इक्वेशन 6 को ऐड कर देंगे, एडिंग 6 एंड 8, तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस डी प्लस बी माइनस डी, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3, डी माइनस डी से कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 2b, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 और b आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 के इक्वल। अब हम b इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 को पुट कर देंगे इक्वेशन 6 में। फ्रॉम 6 वी हैव माइनस 1 ओवर 2 प्लस डी, दिस इज इक्वल टू माइनस 4, डी हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 1 ओवर 2 के इक्वल, एंड दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2। अब यहाँ पे हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, अब हम ए बी सी और डी की वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, c इज इक्वल टू माइनस 2 एंड d इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 8 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, देन आ जाएगा प्लस माइनस 2x माइनस 7 ओवर 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय x square minus x plus 2 minus 2x plus 7 over 2 divided by x square plus x plus 2. Thus, integral 3x minus 8 over x square minus x plus 2 into x square plus x plus 2 dx, this is equal to integral 2x minus 1 over 2 over x square minus x plus 2 minus 2x plus 7 over 2 divided by x square plus x plus 2 dx. This is equal to integral 2x minus 1 over 2 divided by x square minus x plus 2 dx minus integral 2x plus 7 over 2 divided by x square plus x plus 2 dx. This is equal to, अब यहाँ पे हमने 2x minus 1 over 2 के साथ 1 को add और subtract करना है, इसी तरह 2x plus 7 over 2 के साथ भी हम 1 को add और subtract कर देंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 2x माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डीएक्स माइनस इंटेग्रल 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 7 ओवर 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 dx. This is equal to integral 2x minus 1 over x square minus x plus 2 plus 1 minus 1 over 2 divided by x square minus x plus 2 dx minus integral 2x plus 1 over x square plus x plus 2, then आ जाएगा plus minus 1 plus 7 over 2 divided by x square plus x plus 2 dx. This is equal to integral 2x minus 1 over x square minus x plus 2 dx plus integral 1 over 2 divided by x square minus x plus 2 dx minus integral 2x plus 1 over x square plus x plus 2 dx minus integral 5 over 2 divided by x square plus x plus 2 dx. This is equal to integral 2x minus 1 over x square minus x plus 2 dx plus 1 over 2 into integral 1 over x square minus x plus 2 dx minus integral 2x plus 1 over x square plus x plus 2 dx minus 5 over 2 into integral 1 over x square plus x plus 2 dx. Then हमारे पास आ जाएगा integral 2x minus 1 over x square minus x plus 2 dx plus 1 over 2 into integral 1 over. अब यहाँ पे हमने बनाना है कंप्लीट स्क्वायर. हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 रेस टू द पावर 2 माइनस 1 ओवर 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 2 डी एक्स. देन आ जाएगा माइनस इंटेग्रल 2x प्लस 1 ओवर x square plus x plus 2 dx minus 5 over 2 into integral 1 over x square plus 2 into 1 over 2 into x plus 1 over 2 raised to the power 2 minus 1 over 2 raised to the power 2 plus 2 dx. This is equal to integral 2x minus 1 over x square minus x plus 2 dx plus 1 over 2 into integral 1 over x minus 1 over 2 raised to the power 2 minus 1 over 4 plus 2 dx minus integral 2x plus 1 over x square plus x plus 2 dx minus 5 over 2 into integral 1 over x plus 1 over 2 raised to the power 2 minus 1 over 4 plus 2 dx. This is equal to integral 2x minus 1 over x square minus x plus 2 dx plus 1 over 2 into integral 1 over x minus 1 over 2 raised to the power 2
minus 1 over 4 plus 2 is plus 7 over 4 dx. Then aajega minus integral 2x plus 1 over x square plus x plus 2 dx minus 5 over 2 into integral 1 over x plus 1 over 2 raised to the power 2 minus 1 over 4 plus 2 is plus 7 over 4 dx. This is equal to integral 2x minus 1 over x square minus x plus 2 dx plus 1 over 2 into integral 1 over x minus 1 over 2 raised to the power 2 plus 7 over 4 ko hum likh sakte hain square root of 7 over 2 raised to the power 2 dx minus integral 2x plus 1 over x square plus x plus 2 dx minus 5 over 2 into integral 1 over x plus 1 over 2 raised to the power 2 plus square root of 7 over 2 raised to the power 2 dx. Now we know that integral 1 over 1 plus x square dx, this is equal to tan inverse of x plus c. Integral 1 over a square plus x square dx, this would be equal to 1 over a into tan inverse of x over a plus c. अब यहाँ पे ये जो second और fourth integrals हैं, इन दोनों में हमारे पास x की जगह पे है x minus 1 over 2 and x plus 1 over 2 और a की जगह पे है square root of 7 over 2 और first और third integral में देखा जा सकता है denominator में हमारे पास जो function है numerator में उसका derivative है. तो हमारे पास अब आ जाएगा natural log of x square minus x plus 2 plus 1 over 2 into 1 over square root of 7 over 2 into tan inverse of x minus 1 over 2 divided by square root of 7 over 2. उसके बाद आ जाएगा minus natural log of x square plus x plus 2 minus 5 over 2 into 1 over square root of 7 over 2 into tan inverse of x plus 1 over 2 divided by square root of 7 over 2 plus c. This is equal to natural log of x square minus x plus 2 plus 1 over 2 into 2 over square root of 7 into tan inverse of 2x minus 1 over 2 divided by square root of 7 over 2. Then aajega minus natural log of x square plus x plus 2 minus 5 over 2 into 2 over square root of 7 into tan inverse of 2x minus 1 over 2 divided by square root of 7 over 2 plus c. This is equal to natural log of x square minus x plus 2 plus 1 over square root of 7 into tan inverse of 2x minus 1 over square root of 7 minus natural log of x square plus x plus 2 minus 5 over square root of 7 into tan inverse of 2x minus 1 over square root of 7 plus c. So integral 3x minus 8 over x square minus x plus 2 into x square plus x plus 2 dx, this is equal to
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सेवन इंटू टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस फाइव ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सेवन इंटू टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सेवन प्लस सी. सो दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.